सभी को जय श्री राम और सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हजारीबाग वॉलीबॉल पे। तो आप लोग बैग देख रहे होंगे पीछे और हमारे साथ है सौरभ भैया। हम लोग सभी को जा रहे हैं क्लस्टर के लिए, हम जा रहे हैं मैनेजर में और प्रियांशु भैया जा रहे हैं कोच में। तो अभी दिखाते हैं सभी प्लेयर को आप लोग को कौन कौन जा रहे हैं। तो हम लोग क्लस्टर खेलने के लिए पाकुड़ जा रहे हैं, पाकुड़ ज़िला, और ये हमको लगता है जहाँ तक 380 किलोमीटर है हजारीबाग से। तो अभी दिखाते हैं कौन कौन प्लेयर हैं यहाँ पे। ये देखिए सारे प्लेयर यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग देख सभी को। और अभी हम लोग बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, टाइमिंग हो रहा है अभी 8:30। हम लोग का जो बस है, हम लोग रग्बी बस से जा रहे हैं जो कि 8:45 में। तो अभी हम लोग बस पकड़ते हैं और चढ़ते हैं उस पर, देखते हैं सीट क्या है। हम लोग सीट में स्लीपर लिए हुए हैं। तो सभी को सॉरी, क्योंकि हम लोग का जो बस है वो है पुराना बस स्टैंड में। तो हम लोग अभी नया बस स्टैंड से पुराना बस स्टैंड जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग बस पकड़ेंगे अपना। आप लोग अभी वहाँ पहुँच कर मिलते हैं। यहाँ पे सौरभ, सचिन, उधर आगे पुट्टी, समर और सभी प्लेयर हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो सभी प्लेयर अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड। तो हम लोग का जो बस है वो थोड़ा लेट हो रहा है 10 मिनट। कितना में सर हम लोग का बस? 8:45। हम लोग जल्दी ना आए, लेट नहीं, मतलब हम लोग जल्दी पहुँचे यहाँ पे। तो अभी 8:35 हो रहा है, तो हम लोग अभी बैनर बिछा करके यहीं पे सभी को बैग रख दिए, क्योंकि बैग थोड़ा भारी था, 3-4 दिन रुकना है हम लोग को, तो बैग यहीं पे रख दिए। सारे प्लेयर सभी यहीं पे खड़े हैं, लाइट की वजह से थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा, आप लोग देख रहे हैं सारे प्लेयर्स यहीं पे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं 10 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग। तो फाइनली हमारा जो बस है वो आ चुका है और बस जो बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, हम लोग यहाँ पे करीब आधा घंटा वेट किए तब जा करके बस आया है। तो अब हम लोग सभी को जा रहे हैं बस पे, अपना सामान रखते हैं और सामान रख करके फिर हम लोग बस पे चढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रग्बी बस। अभी हम लोग बैक में एकदम सामान रखेंगे पीछे में, क्योंकि सामान सभी के पास बहुत ज़्यादा है, 3-4 दिन रुकना है तो सामान बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले सामान रखेंगे अच्छा से, उसके बाद फिर जाएंगे अपना सीट पकड़ेंगे। तो फाइनली हम लोग अपना अपना स्लीपर पे चढ़ चुके हैं। आप लोग इधर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अंश उज्ज्वल लोग पूरा मस्ती शायद आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से। और उधर सामने में सभी को बैठ गए एकदम। और यहाँ पे हम और सौरभ भैया हैं, सौरभ भैया यहाँ पे हैं और हम और सौरभ भैया एक स्लीपर में। उधर सोल्टी लोग हैं, फुटी भाई नीचे बैठ रहे हैं और इधर सभी को बैठ गए हैं अपना अपना सीट पर। तो अब हम लोग वहाँ पर पहुँच कर आप लोग से मिलते हैं। आप लोग पूरा व्लॉग देखिए और ये व्लॉग जो है वो फर्स्ट डे ऑफ क्लस्टर करके हम डालेंगे यूट्यूब पर। ऐसे करके हम 3-4 दिन पूरा डालेंगे, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं अब हम लोग वहाँ पे पहुँच करके। तो फाइनली हम लोग पाकुड़ का बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और अभी जस्ट सो करके हम लोग सभी को उठे हैं। आप लोग देख सकते हैं सभी प्लेयर यहीं पे हैं। तो यहाँ पे DPS का बस लगा हुआ है, तो उसी से अभी हम लोग जाएंगे DPS पब्लिक स्कूल। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DPS का बस लगा हुआ है, उसी से हम लोग जाएंगे DPS पब्लिक स्कूल। तो अब जाते हैं स्कूल, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे DPS स्कूल आ चुके हैं और अभी कोर्ट दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे एक कोर्ट हम लोग को दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है और स्कूल का लुक भी दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए आप लोग कोर्ट कैसा बनाया गया है यहाँ पे। और यही है DPS स्कूल पाकुड़, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग को दिख रहा है। वहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया हुआ है। तो अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं भी नहीं करते आप लोग को बताते हैं व्लॉगिंग के थ्रू। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग को रूम मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रूम। और अब हम तो अब हम लोग यहाँ पे सभी को एक गद्दा लगा करके रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे आप लोग क्या होता है। अभी पहले रेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग सभी को, आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सभी को गद्दा लगा दिए और अब रेस्ट करते हैं थोड़ा देर। तो अब हम लोग सभी को यहाँ पे नाश्ता करने आ चुके हैं और अग्रेशन भैया का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कूपन उन्हीं के पास। और यहाँ पे अग्रेशन भैया भी आ चुके हैं कूपन लेकर के। तो अब हम लोग जाते हैं सभी को और नाश्ता करेंगे जा करके वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे नाश्ता मिल रहा है तो वहाँ जा करके अभी नाश्ता करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नाश्ता में पूरी और सब्जी आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग पहले नाश्ता कर लेते, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो नाश्ता हो चुका है कम्प्लीट और अब हम लोग सभी को जा रहे रूम, और रूम में अब जा कर के पहले नहाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग को बताते हैं आगे क्या होता है। तो नाश्ता करने के बाद सभी को यहाँ पे आ कर के रेस्ट कर रहे हैं। भी दिखाते हैं आप लोग को सभी को कहाँ कहाँ रेस्ट कर रहे हैं, वो देखें।
और हमारे साथ है सौरभ भैया। हम लोग दोनों एक में एक साथ सोए हुए हैं, तो अब हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सो लेते थोड़ा, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो अब हम लोग सभी को नहा धोकर आराम से रेस्ट करके लंच के लिए जा रहे हैं, और हम लोग का टोकन ये है लंच का। तो हम लोग जाते हैं और लंच करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को लंच में आज क्या है। और लंच में हम लोग को मिला है पुलाव, दाल, आलू पटल, सब्जी, आलू का भुंजिया और एक रसगुल्ला, जो कि हम लोग को अभी लंच में मिला है। तो अब हम लोग खाते सभी के, खाइए खाइए खाइए, ख़त्म। यस, तो अब लंच करके आप लोग से मिलते हैं। तो खाना खाने के बाद फिर से हम लोग अपना रूम तरफ चल दिए। हमारे साथ सेटू है। ए सेटू रुको, बोलो जय श्री राम। तो अब हम लोग खाना खा लिए, खाना हम आप लोग देख ही लिए क्या था। तो अब रूम जाते हैं और रूम जा करके रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर शाम में देखते क्या होता है, उसके बाद आप लोग से शाम में मिलते हैं। तो हम लोग शाम में, अभी टाइमिंग हो रहा है 4 बज रहे अभी, और 4 बजे अभी हम लोग सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आ गए। थोड़ा बैटिंग डिफेंस कर लेंगे सभी को यहाँ पे। ये देखिए सभी प्लेयर पहुँच गए नीचे।
टैगोर बॉल भी लगा था। उसमें तो झूल रहा है नाच का। और अब यहाँ पर स्ट्रेचिंग और जो भी प्रैक्टिस था इवनिंग का वो करने के बाद यहाँ पे सभी को अब यहाँ पे मस्ती करने लगे हैं, झूला झूलने लगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इधर देखिए अग्रेशन भैया, अब पुट्टी भैया, वाह पूरा मजा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अग्रेशन भैया का वेट और पुट्टी का वेट। तो अब हम लोग सभी को बाहर घूमने के लिए आ गए ग्राउंड की ओर, जिधर कोर्ट बना हुआ आप लोग देख सकते हैं पीछे में। और सभी प्लेयर्स बाहर आए बस जस्ट घूमने के लिए। प्रैक्टिस करने के बाद सभी को रूम गए, तो उसके बाद रूम से नहा करके फिर आराम से सभी को बाहर निकले। आप लोग अभी ग्राउंड दिखाते हैं अच्छा से, ये देखिए पूरा मतलब ग्राउंड यहाँ पे जो बना वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है। सभी को बाहर बस घूमेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, क्योंकि रूम में बैठे बैठे थोड़ा हम लोग भी परेशान हो गए। आप लोग देख सकते हैं तो डिनर का टाइम हो चुका है, तो अब हम लोग सभी को जा रहे हैं डिनर लेने। तो दिखाते हैं अभी वहाँ जा कर के आप लोग से कि डिनर में आज क्या क्या है, और वहाँ पहुँच कर आप लोग से मिलते हैं। तो और हम लोग कूपन भी ले लिए हैं, तो हम लोग सभी को जा रहे हैं डिनर लेने, और वहाँ जा कर के देखते हैं और आप लोग को भी बताते हैं डिनर में क्या क्या है अभी रात में। तो वहाँ पहुँच कर आप लोग से मिलते हैं, सामने आगे जस्ट 100 मीटर आगे। तो अभी हम लोग का रात का खाने में फिर से वही है, पुलाव दाल और आलू गोभी की सब्जी, चटनी और बैंगन तला हुआ है। तो ये रात का खाना है अभी, तो अभी हम लोग सभी को खाते हैं, तो बताते हैं आप लोग को कि क्या करते हैं हम लोग। और ये रात में चावल नहीं देना चाहिए था, रोटी दे देते तो अच्छा रहता हम लोग के लिए, बट अब कोई नहीं, खाना पड़ेगा चावल ही। तो अब खाते उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो खाना खाने के बाद फिर से हम लोग अपने रूम आ चुके हैं। तो मैनेजर और कोच का यहाँ पे मीटिंग हो रहा था, तो हम और प्रियांशु भी साथ में आए हैं। आप लोगों को दिखाते हैं अभी मीटिंग में क्या चल रहा है। ये देख सकते हैं सामने में स्टेज पे चल रहा है मीटिंग हम लोग का, यहाँ पे कोच और मैनेजर का, सारे स्कूल के कोच मैनेजर यहाँ पे आए हुए हैं मीटिंग में। तो मीटिंग में क्या होता है उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो अब यहाँ पर फिक्स्चर बनना चालू हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर बोर्ड में फिक्स्चर बनना चालू हो चुका है। तो लास्ट ईयर के रनर अप जो थे स्टेपन और डीएवी कटारा, वो लोग बाई में गए। तो देखिए फिक्स्चर बनने के बाद आप लोग को बताते हैं क्या होता नहीं होता है, फ़ोटो भी दिखाते हैं आप लोग को। तो सारा फिक्स्चर और काम यहाँ पे जो भी था वो ऑफिशियल काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं रूम की ओर, और जाते हो अब रेस्ट करते हैं। तो अब जाते हैं रूम, और रूम जा करके रेस्ट करते हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुका है। और वहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो सब्सक्राइबर थे, तो अब रूम जाकर के रेस्ट करते हैं, और अब सुबह मिलते हैं आप लोग से सभी को उसी तरह। oh,